चित्तौड़गढ़ का किला जिसे चीतो दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है भारत के प्राचीन किलों में से एक है। ये किला भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार इस किले को देखने हर साल हजारों विदेशी सैलानी भारत आते। चित्तौड़गढ़ किला जिसे मेवाड़ की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर यह किला प्राचीन समय में 834 साल तक मेवाड़ की राजधानी रह चुका था। इसकी स्थापना 734 ईसा पूर्व में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर और यह किला लगभग 700 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। प्राचीन इतिहास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले को 7वीं सदी में मौर्य शासकों द्वारा बनवाया गया था और इस किले का नाम मौर्य शासक चित्रांगन मौर्य के नाम पर रखा गया था। आपको जानकर हैरानी होगी इस किले के परिसर में लगभग 65 ऐतिहासिक निर्मित संरचनाएं जैसे मंदिर, महल, जलाशय, स्मारक और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। चित्तौड़गढ़ किले में कुल 7 द्वार बनाए गए थे जो प्राचीन समय में रात्रि के समय बंद कर दिए जाते थे। इन द्वारों पर लगे विशाल किवाड़ आज भी इस किले की मजबूती की गवाही देते हैं। प्राचीन समय में इन दरवाजों का नाम मुख्यतः प्रथम पंडपोल, दूसरा भैरवपोल, तीसरा हनुमानपोल और ऐसे ही अन्य नाम इन द्वारों के रखे गए थे। इन दरवाजों के संदर्भ में कहा जाता है कि प्राचीन समय में प्रत्येक दरवाजे पर द्वारपाल और पहरेदार 24 घंटे दरवाजों की निगरानी करते थे और प्रत्येक दरवाजे पर बड़े बड़े घंटे टांगे गए थे जिन्हें बजाकर दरवाजों को खुला और बंद किया जाता था। इस किले में कई मंदिर स्थापित हैं जैसे कालिका मंदिर, जैन मंदिर, गणेश मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और कुमश्याम मंदिर। इस किले के परिसर में बनाया गया पद्मिनी महल एक छोटे सरोवर के निकट स्थित बहुत ही खूबसूरत महल है। इस महल के अंदर शीशे की नक्काशी की गई है जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। आपको जानकर हैरानी होगी चित्तौड़गढ़ किले में आज भी 22 जल निकाय मौजूद है। इन जल निकायों में पानी का स्रोत प्राकृतिक भूमि के जल और वर्षा से प्राप्त जल के द्वारा होता है। चित्तौड़गढ़ किले के खंभों पर की गई खूबसूरत चित्रकारी प्राचीन कलाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। ऐसा कहा जाता है कि इस चित्रकारी को बनाने में 10 वर्षों का समय लगा था।